मित्रों, फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का मुख्य उद्देश्य आपको उसके शुरुआती दौर में काबू करना होता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। आवश्यकता के समय पर फायर एक्सटिंग्विशर का ना चलना, उनका खराब हो जाना, फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के उद्देश्य का असफल हो जाना होता है। इसलिए बाकी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट की तरह ही इनका रख रखाव जरूरी होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के इंस्पेक्शन के साथ। फायर एक्सटिंग्विशर का मंथली इंस्पेक्शन जरूरी होता है ताकि फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन आप खुद कर सकते हैं या बाहरी एजेंसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्पेक्शन में आपको इंश्योर करना होता है फायर एक्सटिंग्विशर अपने डेजिग्नेटेड लोकेशन पे मौजूद है, फायर एक्सटिंग्विशर दूर से विजिबल है, फायर एक्सटिंग्विशर के साइनेजेस, उसकी लोकेशन मार्किंग ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर की बाहरी कंडीशन ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी में कहीं डैमेज तो नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल कहीं टूटी तो नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर गेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर के अप्रोच को कहीं ब्लॉकेजेस तो नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपरली एसेसिबल है, इसको इंश्योर करना होता है और इसका रिकॉर्ड आपको रखना होता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्पेक्शन के दौरान अगर फायर एक्सटिंग्विशर का कोई पार्ट डैमेज है या बॉडी डैमेज है तो आप एक्सटर्नल एजेंसी को उसको रेफर कर सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी से आप उसकी रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस आपको हर 3 महीने में बाहरी एजेंसी से करना जरूरी होता है। बाहरी एजेंसी का मतलब प्रोफेशनल लोगों से कराना जरूरी होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के मेंटेनेंस में आपको फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन को चेक करना होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के मैकेनिकल पार्ट्स जैसे कि पियर्सिंग मैकेनिज्म, उसकी स्क्वीज ग्रिप, उसकी नोजल, इनकी कंडीशन को चेक करना होता है, उनके प्रॉपर वर्किंग को इंश्योर करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट की कंडीशन को चेक करना होता है, अगर ड्राई केमिकल पाउडर है तो ड्राई केमिकल पाउडर को स्क्रीन करना जरूरी होता है, उसको फिर से अगर जरूरत हो तो फिर से रिफिल करना जरूरी होता है, उसकी एक्सपेलिंग एजेंट्स जैसे कि CO2 कॉर्टेज है उसकी कंडीशन को चेक करना होता है, इंश्योर करना होता है कि उसका जो सील है वो प्रॉपरली है या ब्रेक ना हुआ है, अगर CO2 एक्सटिंग्विशर है तो उसको वेट करके हमको इंश्योर करना होता है कि वेट प्रॉपर है, अगर 10% से ज़्यादा वेट लॉस है तो हमको एक्सटिंग्विशर को रिप्लेस करना होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के मेंटेनेंस के रिकॉर्ड में आपको मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी का नाम, मेंटेनेंस डेट और नेक्स्ट ड्यू डेट को मेंशन करना होता है। तो चलिए अब फायर एक्सटिंग्विशर टेस्टिंग की बात करते हैं। मित्रों, हर साल 20% फायर एक्सटिंग्विशर को चलाकर देखने की जरूरत होती है, उनका ऑपरेशनल टेस्ट करने की जरूरत होती है, इसे आप ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं। उसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर्स का हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट करना जरूरी होता है। अगर ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर है तो उसे 3 साल में आपको हाइड्रो टेस्ट करना होता है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को आपको 3 साल में हाइड्रो टेस्ट करना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को आपको हर 5 साल में टेस्ट करना होता है और हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।